फ्रेंड्स, इंतजार हुआ ख़त्म। हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि जोरों शोरों से सेलिब्रेट होने वाला फेस्टिवल दिवाली आ गया है, घर पे तो सेलिब्रेट करने वाले हैं ही, मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूअर के साथ भी सेलिब्रेट किया जाए। और यही सोचते हुए मैंने दिवाली पे भी एक टॉपिक तैयार कर लिया है। वैसे भी दिवाली मेरा तो बेस्ट फेस्टिवल है, मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों का बेस्ट फेस्टिवल होता है दिवाली। स्कूल में 26 जनवरी हो या फिर 15 अगस्त हो के सेलिब्रेशन में बच्चे पार्टिसिपेशन तो करते हैं, और उससे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और मोटिवेशन भी मिलता है। तो क्यों ना बच्चों दिवाली पे भी अपने आप को मोटिवेट किया जाए तालियों की गड़गड़ाहट के बीच। वैसे इस टॉपिक का एक और फ़ायदा होने वाला है, दिवाली पे बच्चे बहुत सारी लापरवाही कर देते हैं और उससे बहुत सारा नुकसान हो जाता है। बच्चे जल जाते हैं, चोट लग जाती है उनको। हम वैसे बच्चों को समझाते हैं या अपने दोस्तों को बताते हैं कि ऐसी सावधानी बरतनी चाहिए और हम सेफ रहेंगे और सेलिब्रेशन अच्छा होगा, तो बच्चों को बोर लगता है और वो नहीं सुनने की कोशिश करती। लेकिन मैं जो टॉपिक लाई हूँ, स्पीच और पोएम का मिक्स टॉपिक है, उसको बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट किया गया है, और बच्चे इंटरेस्ट लेते हुए सुनेंगे भी और समझने की भी कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही टॉपिक और अगर आपको चाहिए हैं और नए नए टॉपिक आपको तैयार करने हैं स्टेज फंक्शन के लिए, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने ये टॉपिक है एक बच्चे के थ्रू प्रेजेंट किया है, तो प्लीज़ इसे आप नोट भी कर सकते हैं और तैयार कर सकते हैं अपने लिए एक टॉपिक। जगमग जगमग दियो वाली आ रही दिवाली, उमंग और उत्साह भरने इस संसार को रोशन करने आ रही दिवाली। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को पता है कि दीपावली आने वाली है। दीपावली अर्थात दीयों की पंक्ति। इस दिन भगवान राम के वनवास काटकर अयोध्या वापस आने की खुशी में लोगों ने घी के दिए जलाकर उनका इजहार किया था। उसी दिन से हम दिवाली को बड़े उत्साह से मनाते आ रहे हैं। हम दिवाली दिए जलाकर, बम पटाखे बजाकर, मिठाइयां खाकर और खिलाकर मनाते हैं। यदि हम बम पटाखे ना बजाएं तो इससे दिवाली की रौनक कम नहीं होती, इससे पैसे की बर्बादी होती है, पर्यावरण की बर्बादी होती है, और तीसरा बम पटाखे जो हमारे दुश्मन हैं, उनका प्रयोग हम खुशियां मनाने में कर रहे होते हैं। हमारा मनपसंद खुशियों भरा त्योहार है दिवाली, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही से दुख भरा भी हो सकता है। आप लोगों के साथ ऐसा ना हो इसलिए मैं एक अच्छी सी कविता शेयर करने जा रही हूँ। आई रे दिवाली आई, ढेरों सारी खुशियां लाई, हम सबको मिलजुलने का लाई है एक मौका, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही से हो सकता है फोका। इसी तरह तो मुन्ना के संग हो गया था धोखा, अपने से बड़ों की देखा देखी उसने भी कुछ सोचा, बम पटाखों का लूंगा मजा, अब मैं दूंगा सबको हरा, बम पटाखे फुल जड़ीला बिल्कुल पास हो गया खड़ा, छोटे से मुन्ना बुद्धि अभी कच्ची थी, मीठे गुड़ के चक्कर में खाली उसने मक्खी थी, यहाँ वहाँ से जलने फाले आग भी उसके कानी थी, आप सभी के लिए एक अनमोल संदेशा लाई, बम पटाखों की बला से बच कर रहना सब भाई, बिना इसके भी हो सकती है त्योहार की रौनकाई, और पर्यावरण से हम सबकी दोस्ताई।